नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे संज्ञा शब्द कवि शब्द इकारांत फुले। तो आइए सबसे पहले इसका आदर्श वाचन करते हैं। कवि ही कवि कवय है, कविम कवि कवीन, कवीना कविभ्याम कवि भी, कवय कविभ्याम कविभ्य, कवे कविभ्याम कविभ्य, कवे कव्यो कवीनाम, कवौ कव्यो कविषु, हे कवि हे कवि हे कवय, इस प्रकार से आदर्श वाचन करते हैं। विद्यार्थियों, याद हमें कैसे करना है? याद करने के लिए एक ही उपाय है कि हम दो दो लाइन लिखें और फिर वो याद होने पर तीसरी लाइन लिखें। जब एक तरह के शब्द रूप हमें याद हो जाते हैं तो सभी शब्द रूप आसानी से याद हो जाते हैं। मान लीजिए इकारांत ई एंडिंग वाले जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें कवि शब्द याद कर लिया तो मुनि भी याद हो जाता है, ऋषि भी याद हो जाता है, गिरि भी याद हो जाता है। कहने का मतलब जिसका एंडिंग ई होता है वे शब्द हमें आसानी से याद हो जाते हैं। स्वर वही यूज होते हैं, केवल व्यंजन चेंज होते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, इनका हिंदी में अनुवाद किस प्रकार से करते हैं, देखिए। पहला है यहाँ पर कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति किसमें होती है? कर्ता कारक। उसमें चिन्ह क्या होता है? ने, ने चिन्ह होता है, और ने चिन्ह केवल लंग लकार में, लंग लकार में वाक्य बनाने के लिए कार्य काम में लिया जाता है। जैसे कवि पुस्तक लिखता है तो कवि पुस्तकम लिखती, ठीक है, ये लट लकार है। कवि पुस्तक लिखेगा तो कवि पुस्तकम लेखिष्यति, कवि पुस्तक लिखेगा, इस प्रकार से हो गया। लेकिन कवि ने, जब कवि ने पुस्तक लिखी तो देखिए लंग लकार आ गया, ये भूतकाल आ गया, तो भूतकाल में ने का प्रयोग होता है। तो आइए हम इनकी हिंदी जानते हैं। कवि, दो कवि, बहुत सारे कवि, या एक कवि ने, दो कवियों ने, और अनेक कवियों ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है, उसका चिन्ह होता है को। तो मूल शब्द क्या होता है? कवि। तो कवि में क्या लगाएंगे हम? को। वचन के आधार पर, ये एक वचन है तो कवि को, द्विवचन आ गया दो कवियों को, बहुवचन आ गया कवियों। इसी प्रकार से तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है, करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा, से के द्वारा। तो मूल शब्द के साथ हम ये कारक चिन्ह जोड़ेंगे से या के द्वारा, कवि से या कवि के द्वारा, दो कवियों से या दो कवियों के द्वारा, कवियों से या कवियों के द्वारा। इसी प्रकार से चतुर्थी विभक्ति में कारक आता है संप्रदान, और संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? को या के लिए, को या के लिए। तो मूल शब्द के साथ हम को या के लिए जोड़ेंगे, तो कवि के लिए, दो कवियों के लिए, कवियों के लिए, या को जोड़ेंगे कवि को, दो कवियों को, कवियों, ठीक है। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है, अपादान कारक का चिन्ह होता है से। तो मूल शब्द के साथ कवि के साथ से चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या होगा? कवि, कवि से, कविभ्याम दो कवियों से, कविभ्य कवियों से। षष्ठी विभक्ति में कारक चिन्ह होता है काके की, संबंध कारक, संबंध काके की। तो मूल शब्द के साथ काके की जोड़ेंगे, कवि का, कवि की या कवि की, दो कवियों का, दो कवियों की या दो कवियों की, कवियों का, कवियों की या कवियों की। नेक्स्ट आता है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मे पर। तो मूल शब्द जो कवि है उसके साथ मे पर जोड़ेंगे, कवो कवि में या कवि पर, कव्यो दो कवियों में या दो कवियों पर, कविषु कवियों में या कवियों पर। इस प्रकार से हम प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ स्पष्ट करते हैं मूल शब्द के साथ जिस विभक्ति में है। मान लीजिए कवि है, ठीक है, तो कवि चतुर्थी विभक्ति है, इसका हिंदी में अर्थ स्पष्ट करना है तो मूल शब्द के साथ जो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो जोड़ देंगे कवि। तो मूल शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे? कवि के लिए, संप्रदान के लिए, कवि के लिए। तो कवि का अर्थ क्या होगा? कवि के लिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हिंदी में अर्थ स्पष्ट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।